साहू, छत्तीसगढ़ मोहला बोदाल गांव में हूँ। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर इलाका आदिवासियों का है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती है और आदिवासियों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था और उस ज़मीन में सरकार के द्वारा प्लांटेशन लगा दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ज़मीन बंजर हो चुका था और लोगों ने सरकार से लड़ाई लड़कर उस ज़मीन पर फिर से खेती करना शुरू किए। सन 2005 में भारत वन कानून बनाया गया, जिसमें आदिवासियों को ज़मीन दिया जाना था, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। जंगल जमीन धरे हैं तो हम छोड़न नहीं, जहाँ ले जी सरकार वहाँ हम जाएंगे। बलाव करेगा तो हम बलाव में जाएंगे। हम जंगल जमीन हम नहीं छोड़न। बहुत बहुत परेशानी हो गई, कमात खात हम तेला छोड़न नहीं, माल जाबुतल नहीं छोड़न। आदिवासी लोग आदि अंश से जंगल में रहते हैं और जंगल में खेती करते आ रहे हैं। खेती के अलावा और कोई चारा नहीं है जिससे आदिवासी भाई बहन जीवन यापन कर सके। आदिवासी समुदाय संगठित समुदाय है। इन लोगों को कानून को पास कराने के लिए काफ़ी संघर्ष का काम किया है, तब जाकर वन कानून पास हुआ है और आज इन्हें ही उस कानून का लाभ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जंगल विभाग है तानाशाही दिखा करके हमला डरा धमका के इसमें कब्जा कर ली और पौधारोपण करी। वह 1986 के बाद 88 तक के पूरा मतलब प्लांटेशन लगी। उसके बाद फिर जमीन है बंजर पड़ गई, गाय गुरु चर दी। उसके बाद हम पुनः और खेती करे चालू करे। कोई सुनाई नहीं दे थे सरकार है, सरकार से बात करा था सरकार कुछ नहीं बताते, पंचायत से बात करा था पंचायत तो नहीं बताते। ये कुछ पंचायत के लोग हैं जहाँ पे ये जो वन अधिकार अधिनियम के तहत जो दावा पत्र जमा हुए थे उसका क्रियान्वयन वन अधिकार समिति जो ग्राम स्तरों में बनी थी वो ठीक से नहीं हो पाया था, कुछ लोगों का रह गया है, इसलिए लोग आए। आदिवासियों का जीवन खेती के बिना गुजारा नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि हमारे आदिवासियों को वर्षों से खेती कर रहे हैं उनका हक मिले। एक तरफ सरकार आदिवासियों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और दूसरे तरफ आदिवासियों का हक नहीं मिल रहा है। मैं भान साहू, इंडिया अनहद के लिए।